हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आ गया हूँ मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन लेके, जो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हमारा केमिस्ट्री का सबसे लास्ट लेसन है। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं केमिस्ट्री बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ एक विशेष न्यूज जो है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग पसंद कर रहे हैं हमको। ये सब बस आप लोग का सहयोग का नतीजा है। दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग लाइक्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कमेंट्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह आप कमेंट्स करते रहिए, मुझे प्रेरित करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और बना सकूँ, अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल डाल सकूँ। दोस्तों अब तो मुझे लगने लगा कि हाँ मैं कुछ हूँ, जो मुझे लोग पसंद करें मैं तो कुछ हूँ। दोस्तों अब मैं अपने आप को असली घी मानने लगा हूँ, वो नकली घी नहीं असली घी मानने लगा हूँ। क्योंकि दोस्तों कैलेंडर संगमरमर की मकानों में नहीं मिलता, कैलेंडर संगमरमर की मकानों में नहीं मिलता। जितना सुख है माँ की आंचल में, उतना अपने खुद के आसियानों में नहीं मिलता। कैलेंडर संगमरमर की मकानों में नहीं मिलता, जितना सुख है माँ के आंचल में, उतना खुद के आसियानों में नहीं मिलता। जितना पढ़ाई की बात करना है हमसे कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं असली घी हूँ जो बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। दोस्तों ऐसे ही शेर खाकर पसंद आया तो वाह कर लीजिए खुद में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इस लेसन का नाम है अम्ल क्षार लवण, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और मैं आपको बता देता हूँ पहले, ताकि घबराइए नहीं, मैं केमिस्ट्री का लास्ट लेसन है दोस्तों, इसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ाना बंद कर दूंगा। लेकिन हाँ, रोज़ मैं शाम में सुना है मैंने कि रेलवे का फॉर्म आने वाला है, या फिर मैंने जितना लेसन पढ़ना था दोस्तों उस लेसन को मैंने पढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी केमिस्ट्री से सवाल हैं जो लेसन से नहीं आते हैं, ऐसे मतलब जो बायोलॉजी मिक्सिंग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी में पढ़ना है, और वैसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। दोस्तों उसके लिए मैं शाम में रोज 10 मिनट का वीडियो है, जिसमें मैं दिखाई नहीं दूंगा, जो स्मार्ट हूँ, सॉरी मजाक किया था, स्मार्ट मैं हूँ नहीं, फिर भी अगर आपको लगे तो थैंक यू। दोस्तों उसमें मैं अपने आप को दिखाई नहीं दूंगा, मैं दिखाई नहीं देने वाला हूँ। और एक क्यू जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक पेज पे लिखा होगा क्वेश्चन, और कम ही क्वेश्चन होंगे, शायद 2-3 वीडियो डालूंगा केमिस्ट्री का, और दोस्तों उस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के मैं समझा के बताऊंगा। दोस्तों उसमें भी मजा आएगा, प्लीज़ जरूर देखिए जितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ अभी केमिस्ट्री, और पढ़ाने के बाद दोस्तों आज ही मैं फिजिक्स का शायद हो सके तो वीडियो डालूंगा, और दोस्तों फिजिक्स आज से रेगुलर हो जाएगा। और फिजिक्स कल मैं 3 या 4 वीडियो अपलोड करूंगा, फिर परसों 3-4 वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद दोस्तों फिजिक्स भी फिनिश हो जाएगा, एसएससी के लिए, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए। और दोस्तों आईएएस के लिए मैं फिर सोचूंगा, जैसे जैसे मुझे को लगे कि हाँ कुछ लेसन बचे जा रहे हैं, मैं उसको दोस्तों अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ अम्ल क्षार लवण दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस लेसन। चलिए देखता हूँ, सबसे पहले अम्ल होता क्या है। दोस्तों अम्ल क्या होता है, मैं अम्ल पे चर्चा करता हूँ। अम्ल क्या होता है दोस्तों, अम्ल का अंग्रेजी होता है एसिडस। और दोस्तों एसिडस जो होता है, एक ग्रीक वर्ड से उसकी उत्पत्ति है, जिसका मतलब होता है शावर, खट्टा, याद रखिएगा खट्टा। अम्ल का अंग्रेजी होता है एसिड, जिसकी उत्पत्ति हुई है एसिडस से, और इसका मतलब होता है खट्टा, यानी वह पदार्थ जो खाने में खट्टा लगे उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अम्ल के कुछ केमिकल रूल भी होते हैं, उस रूल को हम लोग समझते हैं। अम्ल की सबसे पहला केमिकल रूल है दोस्तों, या तो खट्टा होता है, चलिए बहुत अच्छा बात है। दूसरा बात है दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेंस, सन 1909 में, इस बात को नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 1909 में वो एक स्केल बनाया, उस स्केल का नाम था पीएच स्केल, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता, पीएच स्केल बनाया दोस्तों। और दोस्तों उस स्केल से नापे, जब अम्ल को नापे या फिर क्षार को नापे या फिर लवण को नापे, तो उनको पता चला कि अम्ल का पीएच वैल्यू हमेशा 1 से 6 के बीच में होता है, या फिर 6.9 तक होता है, 7 से कम होता है हमेशा अम्ल का पीएच वैल्यू। दोस्तों तो अम्ल का दूसरा गुण है कि अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों, अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम, इस बात को लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम। उसका दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, क्या कलर का भी इसमें प्रभाव पड़ता है? हाँ दोस्तों, कलर की अगर बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा अम्ल क्या होता है, कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस बात को लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। और एक खास सूचना दोस्तों, आज था एग्जाम BOI, एक एग्जाम होता है बिहार में, BOS करके एग्जाम होता है दोस्तों, उसी में मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया, अगर आपको यकीन हो तो मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव मैंने बताया दोस्तों वही क्वेश्चन पूछा गया है, बस ये एक दो क्वेश्चन मिस हुआ है, और बाकी सारे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और मेरा क्वेश्चन लड़ गया है, काफ़ी खुशी हुई हमें, और आप भी मेरे खुशी में शरीक हो, खुशी में शामिल हो।
चलिए मैं अम्ल की बात करता हूँ, तो अम्ल समझ में है, अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। चलिए एक ऑब्जेक्टिव क्लियर। दूसरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर आपसे पूछे कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर इस बात में अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नीले को लाल करता है कि लाल को नीला करता है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। याद रखिएगा अनिल, क्या याद रखिएगा? अनिल। तो दोस्तों अ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला, ला से होता है लाल। इसका मतलब अम्ल जो है वो नीला को किसे बदलता है? लाल में बदलता है। याद हो गया अनिल? दोस्तों हमारा अम्ल कंप्लीट। दोस्तों अम्ल में इसी से सवाल आएगा, अम्ल के गुण से अगर सवाल आए तो। दो ऑब्जेक्ट पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं बात करता हूँ अम्ल के प्रकार के, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अम्ल के ऐसे बहुत प्रकार होते हैं, ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल, बहुत सारे अम्ल होते हैं दोस्तों। लेकिन जो स्पेसिफिक अम्ल होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उसे कहा जाता है सबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल, तीसरा सांद्र अम्ल, चौथा तनु अम्ल। सबल अम्ल कहते हैं दोस्तों मजबूत अम्ल, वैसा अम्ल जो काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अम्ल को कैसे पहचानेंगे कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है? क्या दंगल मतलब मुक्केबाजी करें, कैसे पहचाने, कुश्ती करें, कैसे पहचाने कि अम्ल मजबूत होगा? हमारा अम्ल डायलॉग है ना, हमारी छोरिया छोरों से कम है कि वैसे। दोस्तों जो अम्ल है हम कैसे जानेंगे कि यह स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कैसे जानेंगे? दोस्तों इसको जानने का एक तरीका है कि जो अम्ल है, जैसे सबल अम्ल में कौन कौन आता है याद कीजिएगा, HCl दोस्तों सबल अम्ल है, याद रहेगा। H2SO4 सबल अम्ल है, याद रहेगा। और दोस्तों नॉर्मली याद रखिए HNO3 सबल अम्ल है। HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। SSC में सवाल पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, इतना इजी क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोरीन, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे गंधक अम्ल भी कहा जाता है, और दोस्तों इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, H2SO4 को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, और दोस्तों इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है H2SO4 को, याद रखिएगा। H2SO4 के का क्या, H2SO4 को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा, याद रखिएगा। लेकिन अगर अम्ल राज की बात है तो अम्ल राज दूसरा है, अम्ल राज कहा जाता है 3HCl+HNO3 को, लेकिन अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को, इसलिए याद रखिएगा। और HNO3 दोस्तों नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों। H2SO4 है, इसी को कहा जाता है दोस्तों बैटरी अम्ल, अम्लों का राजा, और सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है दोस्तों। ये सब होता है सबल अम्ल। और दोस्तों दुर्बल अम्ल पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि वैसा अम्ल जिसमें कार्बन हो उसे कहा जाता है दुर्बल अम्ल। जैसे दोस्तों याद रखिएगा CH3COOH कार्बन है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। HCOOH कार्बन है, हो जाएगा एसिटिक, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल पहचानने का ट्रिक मैंने बताया दोस्तों, जिसमें कार्बन हो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, और जिसमें कार्बन नहीं हो सबल अम्ल हो जाएगा। क्यों दोस्तों? इसका रीजन है, रीजन पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसे रीजन जल्दी से सुन लीजिए, अगर याद हो जाए तो ठीक है। दोस्तों कार्बन होता है वो क्या करता है, सभी तत्व को जोर से पकड़ के रखता है अपने, जिसके कारण जल्दी वो नहीं टूट पाता है, और जल्दी नहीं टूट पाएगा तो दोस्तों आयन, यह आयन जो होता है प्लस माइनस में नहीं टूट पाता है, इसलिए दुर्बल होता है, ठीक है। सॉरी कार्बन मतलब पकड़ के रखता है दोस्तों, और यह अपना गुण नहीं दिखा पाता है, गुण नहीं दिखाएगा टूटेगा नहीं, तो गुण नहीं दिखाएगा, और गुण नहीं दिखाएगा दोस्तों तो वीक होगा, ठीक है। लेकिन HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये बहुत स्पीड में अपना आयन में डिकम्पोज होता है, बहुत स्पीड में अपना आयन में टूट जाता है, तो आयन में टूटने के कारण यह अपना पूरा गुण दिखाता है, गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए यह दोस्तों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब सवाल अम्ल कहते किसको दोस्तों? तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर 100% आयन उत्पन्न करता है, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर 100% हाइड्रोजन देता है, 100% हाइड्रोजन देता है, 100% हाइड्रोजन देता है, उसे सबल अम्ल कहते हैं। और वैसा अम्ल जो जल में घुलकर 100% हाइड्रोजन नहीं देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। कंप्लीट हो गया दोस्तों। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, मेरे पास एसिड है और मेरे पास पानी है, हमको मिलाना है दोस्तों। मेरा दो मन करेगा, एक बार मन करेगा कि ओ मैं एसिड कम रखता हूँ पानी ज़्यादा रखता हूँ, एक बार मन करेगा ओ मैं पानी कम रखता हूँ एसिड ज़्यादा रखता हूँ। अरे समझिए बात, देखिए अगर हम क्या क्या मिला है दोस्तों, एसिड प्लस वाटर, ठीक है। अगर एसिड की मात्रा कम हो तो उसे कहा जाता है तनु अम्ल, और दोस्तों वाटर से एसिड की मात्रा कम हो तो उसे कहा जाता है तनु अम्ल, और वाटर से एसिड की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे कहा जाता है सांद्र अम्ल, बस इतना याद रखिएगा। और दोस्तों सांद्र अम्ल ही हमेशा रिएक्शन करता है, तनु अम्ल बहुत कम ही रिएक्शन करते हैं। उसका क्या दोस्तों? एक होता है शुष्क अम्ल, शुष्क अम्ल उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें पानी मौजूद नहीं होता है, और शुष्क अम्ल कभी भी अपना गुण दिखाते नहीं है, क्योंकि दोस्तों अम्लों को गुण दिखाने के लिए पानी पर रहना जरूरी है, पानी रहेगा तभी अपने आयन में टूट के अपना गुण दिखा पाएगा दोस्तों। पूरा मैं जितना बात बोलता हूँ सभी ओरिजिनल है और सभी इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कीजिए प्लीज। अगर मेरा कहीं भी वीडियो में दिक्कत हो, तकलीफ हो, समस्या हो, कठिनाई हो तो कमेंट्स कीजिए।
चलिए दोस्तों अगला है रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण कितने होते हैं दोस्तों? अम्ल के तो रासायनिक गुण बहुत सारे होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जो दो बता रहा हूँ दोस्तों वही इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आएगा श्योर। रासायनिक गुण से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। पहला रासायनिक गुण क्या है जो दोस्तों अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, इस बात को याद रखिएगा। कैसे दोस्तों? अम्ल है HCl या धातु से अभिक्रिया करेगा NaCl, तो क्या बना देगा दोस्तों? NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। चलिए ये बात हमारा क्लियर हो गया, लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस नोट करते जाइएगा। और दोस्तों क्षार, अम्ल जो है वो क्षार से अभिक्रिया करता है दोस्तों, और क्षार से अभिक्रिया करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और प्लस जल बनाता है, और इसी अभिक्रिया को कहा जाता है दोस्तों उदासीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया जाता है एग्जाम में उदासीकरण अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, तो जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो इसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। चलिए और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एसिड तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप लोग केमिस्ट्री जानते होंगे तो सुने होंगे आप लोग, एक होता है कार्बोऑक्सलिक एसिड, कार्बोजैलिक एसिड जिसे कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है C-OH कार्बोजैलिक एसिड का। कार्बोजैलिक एसिड की अभिक्रिया अगर आप अल्कोहल से करा देते हैं, अल्कोहल मतलब शराब, तो दोस्तों कार्बोजैलिक एसिड की अभिक्रिया अगर आप अल्कोहल से करा देते हैं दोस्तों तो बहुत ही मीठा पदार्थ बनता है। जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों, आप जो पीते हैं मजा पीते हैं दोस्तों, वो मजा मीठा होता है, तो आपको लगता है वो किसी मैंगो जूस या मैंगो जूस है, नहीं मैंगो जूस नहीं होता, वो होता है इस्टर। अब बताइए लोग कहते हैं कि ठंडों में मिले गर्मियों का मजा आम, तो दोस्तों मैंगो जूस, तो मैंगो जूस जो है आपको क्या लगता है ठंडा के सीजन में मैंगो कहाँ से आएगा, उसका तो सीजन नहीं होता है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं बाहर से आता है इम्पोर्ट होता है, दोस्तों नहीं, जो मजा भरा होता है आम का रस बिल्कुल नहीं होता है, वो होता है एस्टर। और एस्टर कैसे बनाया जाता है दोस्तों? एस्टर बनाया जाता है, एस्टर का स्वाद मीठा होता है आम जैसा होता है, बस उसमें कलर मिलाया जाता है दोस्तों। एस्टर का स्वाद कैसा होता है? आम जैसा होता है, मीठा होता है, उसमें कलर मिलाया जाता है। एस्टर बनता है कैसे? तो एस्टर बनता है दोस्तों कार्बोजैलिक एसिड और प्लस अल्कोहल को मिलाने से, कार्बोजैलिक एसिड प्लस अल्कोहल दोनों को मिलाने से एस्टर बनता है, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसी से मैंगो जूस बनाया जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा एक मिनट। दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया, अब आगे का जो दोस्तों है, जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और खास के ज़्यादा सवाल आता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। बहुत ज़्यादा सवाल आता है दोस्तों, आता है मधुमक्खी में डंक, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जब कराटा मैनिया फिर आदमी कसरत करता है, कसरत करने के बाद उसके मांसपेशी में दर्द होने लगता है, क्यों दोस्तों? क्योंकि उसके मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, इसीलिए। दोस्तों बहुत सारा सवाल है, और सारे सवाल पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है सभी के बारे में बता रहा हूँ, और खासकर जो लोग SSC का एग्जाम देने वाले हैं प्लीज़ इसको कन्फर्म कर लें, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का है श्योर। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों हर साल पूछा ही जाता है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइए क्या पता आ जाए। चलिए देखिए कुछ अम्ल में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी घास पे, दोस्तों घास है तो घास को जब खाते हैं तो हल्का हल्का खट्टा लगता है। एक देहाती क्षेत्र में एक अजीब पौधा पाया जाता है जिसको कहते हैं ऑक्टापिप्टा, शायद उसको कहा जाता है, पता नहीं इसका नाम क्या है ओरिजिनल, तो दोस्तों उसे घास कहा जाता है, घास या पत्तियाँ कहा जाता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह क्वेश्चन SSC में पूछा जा चुका है। दोस्तों उसमें पाया जाता है घास आए या पेड़ पौधा पत्ता जितने भी हैं, और दोस्तों मूत्र आए, इस सभी में दोस्तों जो पाया जाता है मूत्र में दो एसिड पाए जाते हैं, यूरिक एसिड भी पाया जाता है और बेंजोइक एसिड भी पाया जाता है। लेकिन अगर घास की बात करें, पत्ता की बात करें दोस्तों, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा बेंजोइक एसिड पाया जाता है, पेड़ पौधा इसलिए जितने हैं घास पत्ता जितने होते हैं सब में बेंजोइक एसिड। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो घास है, घास में सांप होते हैं, आप सपेरा आएगा क्या बजेगा, बीन बजेगा, और बीन बजेगा दोस्तों तो बेन से याद रखेगा बेंजोइक एसिड। दोस्तों घास पत्ता मूत्र इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? बेंजोइक एसिड। मैंने लिखा है यहाँ घास पत्ता मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब मैं आता हूँ दोस्तों बेंजोइक एसिड, चलिए घास पत्ता को हटाइए, अब आता हूँ मैं लाल चींटी पे। दोस्तों यहाँ के साइंटिस्ट जब गए दक्षिण अफ्रीका में इन्वेंशन करने, रिसर्च करने, तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों बहुत बड़ा जंगल है, तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा जंगल है, तो जंगल इतना ज़्यादा है तो लोग गए, साइंटिस्ट गए, तो उन्हें एक विशेष प्रकार का चींटी डस दिया, डंक मारा, गिफ्ट दे दिया, तो डंक मारने के बाद दोस्तों उनमें अजीब सब दर्द होने लगे, पीड़ा होने लगी, तो दर्द होने के बाद सोचे कि आखिर क्यों दर्द हो रहा है। तो दोस्तों उस समय ज़्यादा रिसर्च नहीं हो चुका था कि क्यों दर्द दे रहा है, कुछ पता नहीं चला, फिर वैज्ञानिक सब आए, एक मीटिंग बैठी कि क्यों आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या पाया जाता है उसमें। दोस्तों जब पता चला, चूँकि
उसका स्वाद देखा गया, उसका पीएच वैल्यू चेक किया गया, तो उसका पीएच वैल्यू दोस्तों 7 से कम आया। तो पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है इसका मतलब है वो एक तो एसिड है, लेस देन 7 इसका मतलब एसिड है, 7 से कम अगर पीएच वैल्यू है चींटी के डंक का इसका मतलब एसिड है। तो चलिए एसिड क्लियर हो गया, उसका नाम क्या रखा जाए। तो दोस्तों नाम के बारे में बहुत सारा बहस हुआ लेकिन कोई रूल नहीं बना, इसीलिए वह डंक था, वो जो केमिकल था वो चींटी से निकला था, इसलिए उसका नाम रखा गया दोस्तों, उसका नाम रखा गया क्योंकि चींटी को यहाँ कहा जाता है फॉर्मिका, जैसे चींटी को यहाँ अंग्रेजी में कहा जाता है एंट, वहाँ चींटी को कहा जाता है फॉर्मिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? फॉर्मिक। तो फॉर्मिक और उसमें एसिड था इसलिए एसिड, तो उसका नाम रखेगा फॉर्मिक एसिड। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक, बिच्छी के डंक या फिर एक पौधा होता है जिसे देहाती भाषा में ओल कहते हैं लेकिन उसका असली नाम होता है नेटल, वो भी दोस्तों सट जाए तो अजीब दर्द होने लगता है, नोचने लगता है अजीब, तो दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। किसमें? चींटी के डंक में, मधुमक्खी में, बिच्छू में, सांप में और दोस्तों किसमें? नेटल के पौधा में। क्या पाया जाता है दोस्तों? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा, फॉर्मिक एसिड का रासायनिक नाम होता है दोस्तों मेथनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का नाम क्या होता है दोस्तों? मेथनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड मेथनोइक एसिड, इसको लिख लीजिए याद कर जाइए। अगला है दोस्तों सिरका, एक रामबाण क्वेश्चन है, इसको लिख जाइए, आ गया तो तुम दोस्तों श्योर है 100%। सिरका बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? तो सिरका मैंने बताया बहुत बार, सिरका में जो पाया जाता है दोस्तों एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड इसीलिए दोस्तों क्योंकि यह एसिटेट से प्राप्त होता है, एसिटेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा खट्टा, तो एसिटिक एसिड इसका नाम रखा गया। सिरका से जो हम सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम एसिटिक एसिड रखा गया, लेकिन दोस्तों इसका आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है, मेन नाम होता है, रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों इसका एथेनोइक एसिड। जैसे मान लीजिए कोई आया पंजाब, आप गए, वो बोला कि सिरका दो, तो आप क्या बोलिएगा? एथे रख दिए, तो एथे से याद रखिएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है दोस्तों। तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एथेनोइक एसिड। कंप्लीट, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो याद होगा। उसका दोस्तों इमली, अंगूर, कच्चा आम, इमली, अंगूर, कच्चा आम में दोस्तों पाया जाता है टार्टरिक एसिड, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप इमली किसी को खिला दें बहुत ज़्यादा खट्टा लगा, तो खट्टा लगा तो गुस्सा आ जाएगा और टर 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 करने लगा, तो याद रखिएगा इमली, कच्चा आम या फिर अंगूर में जो एसिड पाया जाता है उसे पाया जाता है कौन सा? टर्टरिक एसिड। इमली खिलाइए तो टटराएगा, तो टर्टरिक एसिड याद रखिएगा। चलिए हो गया, अगला है टमाटर। टमाटर का दाम बहुत महंगा हो गया है, अब जो अच्छे अच्छे जॉब वाले वो सब सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ के टमाटर का खेती करें। दोस्तों क्यों? टमाटर जो होता है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, पालक भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। दोस्तों टमाटर का यूज क्या होता है दोस्तों? नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि आपके कपड़ा पे जंग का दाग लग गया, जंग का दाग लग गया कपड़ा पे, तो आपको अगर छुड़ाना है, आपको अगर उस जंग को छुड़ाना है तो टमाटर काट लीजिए, उसका रस वहाँ लगेगा तो जंग छूट जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और दोस्तों मैंने बहुत सारा ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बताया था कि बेकिंग सोडा भी कब बनता है दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड के मिलाने से बनता है बेकिंग सोडा। तो दोस्तों बेकिंग सोडा कब बनता है? जब बेकिंग सोडा में दोस्तों जब ऑक्जेलिक एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है, मैंने बताया था। अगर मेरा पूरा वीडियो आप देख चुके हैं तो काफ़ी मजा आएगा दोस्तों, लेकिन अगर पहला बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, फिर पूरा वीडियो देखें बहुत मजा आएगा। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ टमाटर या पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, यह दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड जंग छुड़ाने में भी काम करता है। कौन सा जंग दोस्तों? कपड़ा के जंग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों संतरा नींबू, तो जानते होंगे 100 से 17 से सिट्रिक एसिड, और अच्छे अच्छे लोग सब याद करते हैं कि नींबू में पाया जाता है दोस्तों सिट्रिक एसिड। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। संतरा में सिट्रिक एसिड। चलिए चाय में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? चाय और सेब में याद रखिएगा मौलिक एसिड, इसको लिख के एक बार पढ़ जाइए याद हो जाएगा, रोज एक दो बार देख जाइए याद हो जाएगा एग्जाम तक। दोस्तों चाय में कौन सा पाया जाता है? मौलिक एसिड। चाय में मौलिक एसिड, खास के याद करके जाइएगा, सिरका का याद करके जाइएगा, चींटी के डंक का याद करके जाइएगा, नेटल का याद करके जाइएगा। और दोस्तों हाँ, दही एवं खट्टा दूध का भी याद करके जाइएगा, दही एवं खट्टा दूध में पाया जाता है दोस्तों लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड दोस्तों? लैक्टिक एसिड। और दोस्तों दही जो होता है, दूध जो होता है, वो दूध दही में क्यों बदलता है? क्योंकि उसका जितना ही वायरस है सब लैक्टोबैसिलस वायरस में बदलने लगता है इसीलिए। और दोस्तों आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? आंवला में पाया जाता है विटामिन सी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखिएगा आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, इस बात को याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड, तो आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों लास्ट है अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? आप लोग जानते होंगे अमाशय में पाया जाता है HCl एसिड, इसे खनिज अम्ल भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों इतना अगर आप कंप्लीट कर लिए तो जिंदगी भर एग्जाम देते जाइए, किसी एग्जामिनेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा वादा है। आगे दोस्तों अम्ल हमारा कंप्लीट हो गया, अब मैं बताऊंगा अम्ल का पीएच वैल्यू बताऊंगा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अम्ल के कुछ सिद्धांत हैं, सारा सिद्धांत मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों अम्ल का सबसे पहला सिद्धांत ये थे दोस्तों, वो अम्ल में आखिर होता क्या है,
अम्ल का सूत्र क्या होना चाहिए, अम्ल में कौन सा तत्व जो जरूरी है होने के लिए। दोस्तों सबसे पहले जो सिद्धांत दिए थे उनका नाम था अर्हेनियस, उनका नाम क्या था दोस्तों, अर्हेनियस, अर्हेनियस। तो अर्हेनियस थ्योरी दिए थे, उनका अर्हेनियस का थ्योरी था क्या दोस्तों कि कोई भी एसिड हो अगर आप उसमें जल मिलाते हैं या फिर किसी जल में H2HCl को मिलाते हैं, कोई भी एसिड को जल में मिलाते हैं तो दो भाग में टूटता है, एक हाइड्रोजन आयन देता है, एक जो पोषण होता है वो देता है। जैसे मान लीजिए हम HF को मिलाएं तो जल में मिला दोस्तों तो बना जाएगा H+ जो F-। मान लीजिए हम HBr को मिलाएं तो जल में जैसे मिला तो दोस्तों देगा H+ जो Br-। अब देखिए खास बात क्या है दोस्तों, H+ सभी में है ना, तो अब अर्हेनियस साहब थे वो डिफिनेशन दे दिए वो कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ देता है। लेकिन दोस्तों H+ तभी हो देगा ना जब उसमें H होगा दोस्तों, ये तो हो गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बोले नहीं यह थ्योरी गलत है, इन्हों अर्हेनियस बोले क्यों, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ देता है, अम्ल में इसका मतलब हाइड्रोजन होता है और आप जितना भी अम्ल देख लीजिए सभी में हाइड्रोजन है। जैसे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिखते जाइए, कार्बनिक अम्ल H2CO3 लिखते जाइए दोस्तों, जितने भी अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल दोस्तों HBr, दोस्तों नाइट्रिक अम्ल HNO3, जितने भी एसिड है सभी में हाइड्रोजन होते हैं अर्हेनियस ने कहा। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बॉस्टेट लॉरी, याद रखिएगा बॉस्टेट से याद रखिएगा, ये आए तो बोले नहीं गलत है। कैसे गलत है, तीनों ने कहा एक बात बताओ AlCl3 इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है तो अर्हेनियस बोले एकदम नहीं है, तो इसका मतलब यह अम्ल नहीं होना चाहिए, अम्ल नहीं होना चाहिए, अर्हेनियस बोले एकदम नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है मैं भी टेस्ट करता हूँ, एक AlCl3 का pH वैल्यू टेस्ट किए, pH वैल्यू टेस्ट करने के बाद दोस्तों इनको पता चला वो इसका pH वैल्यू 7 से कम है, वो इसका मतलब अम्ल है दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया वो इसका मतलब अम्ल है, तो दोस्तों ये अम्ल निकल गया, अर्हेनियस का थ्योरी क्या हो गया गलत। तो बॉस्टेड लॉरी एक सिद्धांत दिए कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी भी तत्व को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, बस सिद्धांत याद रखिएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी अन्य परमाणु को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है उसे अम्ल कहते हैं, बॉस्टेड लॉरी दिए लेकिन इनका सिद्धांत भी गलत हो गया। उसके बाद आज दोस्तों एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लुइस बताएं कि नहीं ये अम्ल क्यों है, लुइस इस बात को परिभाषित कर दिए, कैसे परिभाषित किए नॉर्मली समय बता रहा हूँ कि दोस्तों एल्यूमिनियम लिए और दोस्तों CL3 इनको पता चला दोस्तों, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, ऐसे करने को तो दोस्तों मैं 2 घंटा पढ़ा दूँ पूरा लेसन को, लेकिन दोस्तों मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ पूरा याद रखिएगा। लुइस ने बताया कि वैसा तत्व जो अगले जो परमाणु जुड़ा है उसको अगर एक होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर अगले परमाणु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है तो एसिड होगा, और वास्तव में दोस्तों AlCl3 में याद रखिएगा एल्युमिनियम होता है क्लोरीन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए दोस्तों ये लुइस अम्ल है। तो याद रखिएगा AlCl3 जिसने में जितने भी Cl3 लगा हो, और खास के याद रखिएगा दोस्तों AlCl3 BCl3 NCl3 PCl3 ऐसा आए PCl3 वाला आए तो याद रखिएगा कौन सा अम्ल होगा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है IAS के लिए। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वो IAS PCS SSC ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस मैं कर रहा हूँ, जिनका नज़दीकी एग्जाम है वो तो ध्यान दें ही, जिसका दोस्तों बहुत बाद एग्जाम है एकदम देखते जाइए मज़ा आ जाएगा पूरा, और आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। तो जिस यौगिक में दोस्तों Cl3 हो याद रखिए सभी भी लुइस अम्ल होंगे, अगर ऐसा ऑप्शन आए दोस्तों तो लुइस अम्ल में मार दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया, अब एक मिनट आगे मैं बात कर रहा हूँ फिर। दोस्तों अब मैं लेके आया आपके लिए छार, और दोस्तों मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट करते जाइए, कहीं भी समस्या नहीं होगी दोस्तों। छार और लवण मैं अभी पढ़ा दूंगा, और बाकी इससे संबंधित जितने टॉपिक होते हैं जैसे pH स्केल, pH वैल्यू या फिर अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्मन, ये सब टॉपिक हरित गृह प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ओजोन क्षतिग्रस्त दोस्तों ये जो मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों बायोलॉजी में आपको बताऊंगा, मैं केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं क्योंकि उसका दोस्तों पूरा मतलब बायोलॉजी से है, इसलिए दोस्तों केमिस्ट्री का टॉपिक है मैंने बताया, बहुत सारे टॉपिक है जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तीनों मिक्सिंग पढ़ना है, वैसे टॉपिक को दोस्तों मैं एक बार संडे को क्लास रखता हूँ, संडे को मैं 3 या 4 वीडियो अपलोड करूँगा संडे आने वाले संडे को, और उस दिन दोस्तों वैसा वीडियो अपलोड करूँगा जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट से नहीं होगा, मिक्सिंग सब्जेक्ट से होगा। अगर आप लोग साथ दीजिएगा दोस्तों तो धन्यवाद, नहीं साथ दीजिएगा और धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग से उम्मीद है जो मेरा वीडियो देख के कुछ सीखते हैं, मैं उनके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे भरोसे पर उतरने का कोशिश कीजिए, खरा उतरने का कोशिश कीजिए, धन्यवाद। बोलते बोलते थोड़ा सा चलिए मैं बता रहा हूँ छाड़ क्या होता है दोस्तों, छाड़ किसे कहते हैं,
दोस्तों याद रखिएगा, मतलब अम्ल के गुण को जो नष्ट कर दे, उदासीन कर दे, उसे क्षार कहा जाता है रासायनिक भाषा में। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो उसे क्षार कहते हैं, जैसे करेला, ठीक है, जैसे नीम, ये सब क्षार होता है। लेकिन केमिस्ट्री में कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो केमिस्ट्री में पहचाने का तरीका है दोस्तों, जिसमें OH लगा हो सारा का सारा क्षार होता है, जिसमें OH लगा हो सारा का सारा क्या होता है, क्षार होता है। दोस्तों इसके गुण है, क्षार के पहला गुण है कि स्वाद में कड़वा होता है, चलिए कंप्लीट हो गया। दूसरा गुण है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है, 7+ होता है, 7 से अधिक होता है। और दोस्तों तीसरा गुण याद रखिएगा, अम्ल नीला को लाल करता था, एक क्या करता है दोस्तों, तो लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, लानी लाल को नीला कर देता है, छलानी याद रखिएगा, छलानी छार लाल नीला। दोस्तों कंप्लीट हो गया, ठीक। अम्ल के उल्टा होता है, अम्ल का 7 से कम तो इसका 7 से ज़्यादा, या नीले को लाल तो यहाँ लाल को नीला। दोस्तों छारा के प्रकार, छार दो प्रकार के होते हैं, एक सबल छार, एक दुर्बल छार। सबल छार पहचाने का तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, छार तो ऐसे ही पहचानेगा जिसके अंत में OH लगा हुआ छार होगा। लेकिन सबल छार पहचाने का तरीका क्या होगा दोस्तों, वैसा छार जिसमें भले से एक वाला तत्व हो, जैसे देखिए Na, नॉर्मली देखिए NaOH, KOH, इसमें 2-3 ऐसे नहीं ना लगा है तो दोस्तों ये सबल छार हो जाएगा। और दोस्तों इसमें देखिए 2 लगा है, 3 लगा है, तो ऐसे छार सामान्यतः होते हैं, दुर्बल छार होते हैं। पहचाने का तरीका मैंने बता दिया, सवाल छह पहुँचा जाएगा, दुर्बल छह पहुँचा जाएगा। खास बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, MgOH2 है, इसका एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। इस पर बार बार मैंने चर्चा किया है, मिल्क ऑफ मैग्नेशियम, मिल्क ऑफ मैग्नेशियम, मैग्नेशियम का दूध इसे कहा जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग किया जाता है अपच में, अपच जब पचता नहीं, ज़्यादा खा लेते हैं पचता नहीं, तो अपच में MgOH2 का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों NOH3 का प्रयोग अपच में किया जाता है, ठीक है, इसे NaLuz भी कहते हैं। NaOH3 को याद रखिएगा दोस्तों, कहा जाता है NaLuz, मतलब NaLuz, मतलब कहीं भी आपका लूज हो रहा है, लूज मोशन, तो उसमें दोस्तों NaOH3 का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों जितना भी छार है सभी का प्रयोग अपच में किया जाता है, लेकिन खास ये दोनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब है दोस्तों सिद्धांत, क्षार का कौन कौन सिद्धांत दिए थे, जैसे अम्ल का सिद्धांत दिए थे अर्हेनियस, बॉस्टेड लॉरी और दोस्तों लुइस, ऐसे ही क्षार का सिद्धांत भी दिए थे अर्हेनियस, बॉस्टेड लॉरी और लुइस। सेम है दोस्तों, ठीक उल्टा है अम्ल के, अम्ल में क्या कहा गया था कि अम्लवाह पदार्थ, अर्हेनियस के द्वारा क्या कहा गया था कि अम्लवाह पदार्थ जल में घुलकर H+ देता है, यानी उसमें H होता है, HCl, HF, HBr जो। दोस्तों क्षार में कहा गया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है, ये अर्हेनियस का सिद्धांत है। ब्रॉस्टेड लॉरी ने कहा कि अम्लवाह पदार्थ जो प्रोटॉन देता है, क्षारवाह पदार्थ जो प्रोटॉन लेता है। कंप्लीट हो गया, बस डिफ्रेंस याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लुइस कहे कि अम्लवाह पदार्थ जो लोन पर इलेक्ट्रॉन देता है और क्षारवाह पदार्थ जो लोन पर इलेक्ट्रॉन लेता है। चलिए कंप्लीट हो गया दोस्तों। और इसमें जो क्षार होता है दोस्तों NH3, याद रखिएगा लुइस क्षार है NH3, PH3 जिसमें हाइड्रोजन हो। दोस्तों सारा सारा क्या है दोस्तों, लुइस क्षार है। इस बात को भेजा में घुसा लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्षारक और अम्ल को तनुकृत कैसे किया जाए। दोस्तों तनुकृत का मतलब होता है पानी मिलाना। तो पानी मिलाने का दो तरीका है, नमक मिलाने का सब्जी में दो तरीका है, एक पहले सब्जी नमक रख दीजिए फिर उसमें सब्जी मिलाइए, दूसरा फिर सब्जी रख दीजिए और फिर उसमें नमक मिलाइए। दोस्तों कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, पहले सब्जी बनता है बाद में नमक मिलता है ना, वैसे ही दोस्तों अम्ल और क्षार को तनुकृत करने का दो तरीका है, तरीका एक ही है, सही कौन है आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लिया मैंने कहा कि अम्ल को तनुकृत करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, यह सवाल पूछा गया है, NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कांच का गिलास है, दो गिलास है, कैसे तनुकृत करेंगे, अम्ल या क्षार कोई भी हो तो कैसे तनुकृत करेंगे, पहले अम्ल रखेंगे गिलास में कि पहले क्षार आती, पहले पानी रखेंगे। अम्ल और क्षार दोनों को तनुकृत करना है, इसमें अम्ल को करना है, इसमें क्षार को करना है। तनुकृत करने का मतलब दोस्तों पानी मिलाना हुआ, मतलब पहले अम्ल रखेंगे तब उसमें पानी मिलाएंगे कि पहले पानी रखेंगे तब उसमें अम्ल मिलाएंगे। दोस्तों सवाल हमारा ये है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा, अगर ऐसा सवाल आए तो याद रखिएगा पहले हमेशा पानी रखा जाता है और पानी रखा जाता है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके अम्ल मिलाया जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि पानी पहले से वातावरण को ठंडा करके रखता है और जब उसमें अम्ल मिलाते हैं तो आसानी से तनुकृत हो जाता है। लेकिन अगर हम अम्ल पहले रख देंगे और पानी बाद में रखेंगे दोस्तों, तो अम्ल के कण और पानी के कण में टक्कर होगा और उस टक्कर से दोस्तों विस्फोट की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, विस्फोट की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए ध्यान रहे, अम्ल और क्षार को तनुकृत करते समय पहले पानी रखें फिर उसमें क्षार या अम्ल मिलाए। दोस्तों हमारा क्लियर हो गया। अगला सवाल है दोस्तों लवण क्या होता है। दोस्तों सिंपल है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए HCl है, अम्ल है और NaOH क्षार है, ये दोनों को मिलाइए। और दोस्तों हाँ, अगर आप MgOH2 के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, NaOH3 के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, CaOH2 के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मैंने सारा तत्व का एक लेशन पढ़ाया, सारा तत्व का यौगिक,
कैल्शियम के यौगिक, सोडियम के यौगिक, उस सारा में आप जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल से बताया है। अगर आप रेगुलर मेरे छात्र हैं दोस्तों तो कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, इतना तो यकीन रखिए। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों खत्म करना है प्लीज, थोड़ा सा आप पे लोड नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए या फिर एक बार देख लीजिए, नहीं घंटा कौन सा, ढाई घंटा की मूवी देख लेते हैं, वीडियो ज्ञान होगा। दोस्तों एच सी एल और एन ओ एच क्रिया करेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, एन ए सी एल, वाओ, मतलब दूसरा पहला से और पहला दूसरा सिलेक्शन करता है, तो एच ओ एच बनाता है दोस्तों एच टू ओ, वो लवण और जल बनाते हैं, इसे अभिक्रिया को कहा जाता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उदासीन कर दिया, इसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण बना दिया इसका मतलब उदासीन कर दिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब सोचने वाली बात क्या है दोस्तों कि मान लीजिए लवण तो बन गया, तो लवण किसे कहते हैं दोस्तों, तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है उसे लवण कहते हैं। इसका पीएच वैल्यू दोस्तों कुछ लोग कहते हैं लवण का पीएच वैल्यू 7 होता है, लेकिन नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है लवण का पीएच वैल्यू 7 होता है, लवण में बहुत प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण तो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, क्षारीय लवण उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, उदासीन लवण उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, एनएसीएल का पीएच वैल्यू 7 है। दोस्तों मैं पूरा बात करता हूँ, चलिए लवण के प्रकार पे, दोस्तों लवण के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे सबसे पहला है समान लवण, जैसे दोस्तों एनएसीएल, ये हो गया समान लवण, यानी वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन और ओएच नहीं हो, जैसे दोस्तों हाइड्रोजन होगा, ध्यान दीजिए मैं खास बात बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे देख लीजिए एनएओएच, वाओ, एनएसीएल लवण है, Na2CO3 लवण है दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन हो अम्ल होगा, जिसमें हाइड्रोजन नहीं OH हो वो क्षार होगा, लेकिन दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन OH ना हो वो लवण होगा, और खास बात मैं बता रहा हूँ, देखते जाइए NaCl लवण है, Na2CO3 लवण है, NaHCO3 लवण है दोस्तों, NaOH याद रखिएगा ये क्षार भी और लवण भी, इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, याद रखिए पूरा बात मैंने बताया है, यौगिक कलेशन देखें सोडियम के यौगिक दोस्तों, इसमें देखिए हाइड्रोजन या OH नहीं है, सिर्फ NaCl है, तो इसे कहा जाएगा समान लवण, इधर देखिए Na2CO3 है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये हो जाएगा समान लवण, NaHCO3 वो इसका मतलब हो जाएगा अम्लीय लवण, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, और दोस्तों NaOH वो इसमें OH है, इसका मतलब ये हो जाएगा क्षारीय लवण, कंप्लीट हो जाएगा, हो गया दोस्तों द्विक लवण उसे कहा जाता है। अगला है दोस्तों द्विक लवण, समान लवण जिसमें हाइड्रोजन या OH ना हो, अम्लीय लवण जिसमें हाइड्रोजन हो, क्षारीय लवण जिसमें OH हो, और द्विक लवण वैसा लवण जिसमें मतलब कुछ भी हो लेकिन दो लवण मिल के बनाओ, उसे कहा जाता है द्विक लवण, जैसे होता है दोस्तों फिटकरी, फिटकरी लवण है, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 हॉलथराइस 24 H2O, लिख के याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखिए K2SO4 एक लवण है, Al2SO4 एक लवण है दोस्तों, ये दोनों लवण मिल के एक लवण बनाया है, इसे कहा जाता है द्विक लवण, याद रखिएगा। पोटेशियम, इसको कहा जाता है पोटासलम, फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटासलम, और पोटासलम दोस्तों फिटकरी एक लवण है, कौन सा लवण है, द्विक लवण है, और फिटकरी का बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों खून को बंद करने में, और पता है जहाँ ब्लड निकल रहा है अगर उसको फिटकरी उसमें रगड़ दिया जाए तो ब्लड बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों यह ब्लड को जो रास्ता है उसको जाम नहीं कर देता है, यह वहाँ के टेम्परेचर को बहुत घटा देता है, और टेम्परेचर के घटाने के कारण यह ब्लड को बंद कर देता है। चलिए दोस्तों कंप्लीट हो गया। अगला दोस्तों संकर लवण क्या होता है, दोस्तों संकर लवण एक विशेष प्रकार का लवण होता है, इसे जटिल लवण भी कहते हैं, ये बहुत हार्ड होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा K4Cl6। अगर ऐसा हो, ब्रैकेट ब्रैकेट वाला कोई लवण हो तो याद रखिएगा होता है संकर लवण, जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है, लिगैंड होता है, मतलब याद रखिएगा ब्रैकेट हो तो कौन सा लवण हो जाएगा दोस्तों, संकर लवण। इसे दोस्तों IAS में ही सवाल पूछे जाते हैं, और नॉर्मल सवाल पूछा जाता है कि संकर लवण को पहचाने, ऑप्शन दिया रहता है 4, जिसमें ब्रैकेट होगा दोस्तों ऐसा K4Fe Cl6 ऐसा, तो हो जाएगा संकर लवण। दोस्तों हमारा लवण कंप्लीट हो गया, और अगला जो अभी मैं केमिस्ट्री का वीडियो क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों, और दोस्तों क्लोज कर रहा हूँ, और अगला जो मेरा वीडियो होगा संडे को मैं लेके आऊँगा, जो बायोलॉजी से रिलेटेड भी होगा, क्योंकि दोस्तों शनिवार तक या संडे सुबह तक मैं किसी भी हाल में फिजिक्स को समाप्त कर दूंगा, फिजिक्स को समाप्त करके बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा, और बायोलॉजी या फिर संडे तक मैं बायोलॉजी फिजिक्स को समाप्त कर दूंगा, उसके बाद मैं बायोलॉजी लेके आऊँगा दोस्तों। बायोलॉजी में मैं इसका अगला पोर्शन पीएच वैल्यू, अमाशय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग सारा को मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।